यू कैन सी इट, मेरा एप्रन भी गंदा हो चुका है कि मैंने ऐसे भी मास्क लगाया है, दैट इज गम्स मास्क। हाय हाय, ओह माय गॉड, मेरा हेयर स्टाइल कितना खराब है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। No, 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하. Hey, yo, people, it's me, Dipta, and I'm finally back with another exciting vlog. और आज का जो vlog है, it's all about a day in my life, being first years and maybe a student. सच्ची सच्ची बोलूँ तो आई हेट सुबह उठना, पर इन अ मैथ स्कूल अटेंडेंस एक बहुत डरावनी चीज़ होती है। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। सो ये हो रही है क्लास की पहले की तैयारी, एंड मैं आपको बता दूँ, इट्स दैट टाइम ऑफ 2020 जब सभी बच्चे अपने अपने घर पे थे और हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। एंड दैट्स माय प्यारा प्यारा एप्रन, जिसको सफेद रखना है मुश्किल। गर्मियों में दिक्कत दे देती है, बट करेंटली I miss it. And you can also see, मैंने कितने अच्छे बच्चों की तरह एक पोनी भी बनाई है। और हमारे अटेंडेंसेस को बचाने के लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो। बींग अ गुड रूममेट, मैंने काफ़ी शांति बरकरार रखा और मैं तैयार हो चुकी हूँ। एंड ब्रेकफास्ट तो मुझे मिलेगा है नहीं, तो लेट्स गो फॉर सम चाय। सो गाइस, पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, बट अभी क्लास ख़त्म हो चुकी है तो हम लोग आए चाय पीने। तो अभी हमारे पास 30 मिनट है, ज़िंदगी के 30 मिनट, और DH में खूंखार हरकतें करने के पहले हमें चाय से क्या खुद का रिचार्ज करनी है। तो वेटिंग फॉर चाय। तो मैं दोबारा हॉल सुनाई थी क्योंकि मुझे बुक्स चेंज करने थे। इतना स्ट्रगल है ज़िंदगी में, ओह माय गॉड। तो दो घंटे खूंखार हरकतों के बाद, यू कैन सी इट, मेरा एप्रन भी गंदा हो चुका है। हम जा रहे सीधा मेस में प्रवेश करने के लिए। ओह शिट, आज कड़ी बनेगा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इट्स सैड लाइफ, और मेरे साथ है गुड़िया। तो दोपहर के ब्रेक में मुझे चाय फाइनली खींच लाई है, बट ये स्टोर बंद है, बट कोई बात नहीं, आई हैव चाय। ठीक है, बोल जाओ। तो अभी हम फलता है दूसरी जगह पे क्योंकि प्लान चौपट हो चुकी है, सैड लाइफ। आज जो हमने डाइसेक्शन करी है उससे तो मुझे वेब 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 याद आ गया। तो खाने के पहले हटा ही देते हैं मास्क को। क्या बोलते यार इस सेरेमनी को, घूंघट ने है मैंडिबल। खैर छोड़ो, यहाँ तेरे फोन में कितनी अच्छी दिख रही हूँ। तो आलू पराठा आ चुका है, इस तरीके का दिखता है। अभी क्या कर सकते हैं, तो खाना ही पड़ेगा। एंड छोड़, व्हाट हैपेंड, जाएगा यहाँ पे एक ट्रेन में जाएगा तो मैं वहाँ जाऊँगी। और ये है हमारी फूड ब्रेक जो कि 1 से 2 तक होती है। ऊपर से 8 महीने घर पे रहने के बाद कॉलेज फिर से नया लग रहा था,
बट इट्स लाइफ एंड वी कांट हेल्प इट। तो क्लास के पहले भी हम ले रहे हैं डिलीवरी, नो सॉरी ये, एंड इट्स क्लास टाइम। अभी बजे है नहीं, अभी बजने वाले 2 एंड उसके बाद कल वापस आएंगे, डोंट डिस्टर्ब, कल वापस आएंगे 4 बजे, उसके बाद जाएंगे चाय पीने फिर से। चाय इज लव लाइफ, लव लव। चाहती थी कि मैंने ऐसे भी मास्क लगाया है, दैट इज गम्स मास्क। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस वन। ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। एंड आल्सो द स्काई टुडे इज सो प्रिटी। टैप तेरा फोन गंदा है, नहीं दिखाता है। शिंक बहुत नींद आ रही है बट नहीं जा रहे सोने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया एग्जाम के दौरान। भैया आप, आपको व्लॉग में डालेंगे भैया, चाय दीजिए चाय। फोन मुझे लगा यूट्यूब बैठेंगे यहाँ, या एग्जैक्टली इस पॉइंट में तो क्या रखबो ना भाई, हमारे व्लॉग खराब हो जावे। एंड दिस इज द प्लेस जहाँ हम लोग बैठने वाले हैं एंड टाइम वेस्ट करने वाले हैं। वो है थोड़े बदमाश लड़के खेल वेल खेल रहे हैं एंड ये कर रहा है शो ऑफ इसको बजाते हुए। नहीं दिखा रही तुझे, डोंट वरी, आई एम डूइंग दिस। कैन यू फील इट? मैं इतने आवाज करके नहीं पीती हूँ बट आई फेल्ट लाइक टुडे। लुक एट द ब्यूटी। अपने रूम दोबारा इसे पहनने क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी एंड माय टॉन्सिल हर्ट्स एवरी टाइम, बार बार टॉन्सिलाइटिस का शिकार बन जाती हूँ, सो इट्स वेरी नेसेसरी। एक टू ये स्पेशल एडिशन है बिकॉज मुझे जाना था एटीएम और मैं कार्ड लाना भूल गई थी, सो मेहनत फिर भी पतली नहीं होती हूँ मैं। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, फिर भी लाइक स्पेंड नहीं, वेस्टेज बोलते इसको। तो अभी जो है ना, हम अभी फिर से वॉक करेगा क्योंकि हमको सच में पढ़ने का मन नहीं है और मौन नहीं है, मौन मौन। बाय द वे गाइस, आप लोग अभी अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं थोड़ी सी तो अच्छी लगी ही होंगी ना, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अंधेरे में बोल रही हूँ, आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। इतना एंटरटेन कर दो आप लोगों को, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना खुद के लिए भी, खाना तो पड़ेगा। अभी मैं आ चुकी मेरे रूम एंड मेरा कमरा बन चुका है। आज डिनर में कुछ खाते हैं। यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग ना कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना ऐसा ऐसा खाने को मिलता है इस लड़की को, कितना मस्ती करती हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारा एग्जाम्स जस्ट ख़त्म हुए एंड लॉकडाउन के बाद इतना भागे ना इधर, तो सोचा कि कुछ अच्छा खा लेते हैं ऑफकोर्स। सो एंड ऐसे इतना घूमने वूमने को बिल्कुल नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग बहुत थके होते हैं एंड बहुत कुछ होता है। I'll show you guys. बहुत कुछ होता है, क्लास के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर भी करना है। Yeah, I know, sad life, but feel it. So, अंधेरे में भी उजाला देते हुए ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। कितना गंदा था। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं गंदे से मेस में, उपाय नहीं है, sad life. यहाँ बैठेंगे। पेंट में धुआ है भाई, नहीं पानी भी भर लेते हैं। क्या मिल रहा है, हालत तो देखो, चावल पनीर सलाद तो है ही नहीं। यस पानी भर लेते हैं, एक हाथ से नहीं हो पाएगा मुझसे। भैया सलाद नहीं और यार ब्लॉग में रियलिटी दिख जाएगी। मैं सुख की प्राप्ति अनबॉक्सिंग की जाएगी।
अच्छे काम चला लूँगी. आई एम हैप्पी विद दैट. इतना मेहनत नहीं होगा. तो बात ऐसी है, हम दौड़ दौड़ के आ गए. ओह माय गॉड, मेरा हेयर स्टाइल कितना खराब है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, अब खाएंगे रसगुल्ले. गाइस, आई एम थिंकिंग मेरा डाइट कितना मस्त है. एंडोस्मोसिस हॉस्टल में ममता वाइफ लेते हुए. ये वही पल है जब मैं और मेरी रूम में रियलाइज़ करते हैं कि वी हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो एग्ज़ाम्स आर कमिंग फिर से एंड उसे रिग्रेट के चक्कर में वी डिसाइड टू स्लीप. सो आई एम थिंकिंग कि मैं कुछ ड्रामा वगैरह देखूं क्योंकि मैं 200 साल से प्लान बना रही थी कि मुझे देखना देखना है, बट नहीं हो पाया. वी फाइनली स्टार्ट. आई होप मैं सो ना जाऊँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स काफ़ी एक्सप्रेसिव है. तो गाइस, अभी थोड़ा बहुत काम करना है. मैं कितनी चबी हो गई हूँ. एनीवेज, ये है मेरे गंदे सॉक्स क्योंकि मैं ज़्यादा आलसी नहीं हूँ और इसलिए मैं लॉन्ड्री में धोने कर देती हूँ अपनी एवरीथिंग. कभी कभी ऐसे लाइक कि कपड़ों को सही से रख देना चाहिए क्योंकि रूम का वो चेयर जिस पे इतना बड़ा एक पहाड़ होता है कपड़ों का, अच्छा नहीं दिखता है. आदर्श औरत. बेसिकली एग्ज़ाम्स थे तो रूम का हालत कबाड़ा हो जाता है, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि कभी कभी सफाई हो जाए. आई डोंट नो, हमेशा टेबल इतना गंदा कैसे हो जाता है. मजदूरों वाली काम कर लेते हैं. आपको मेरी मेहनत दिख रही है. इतना मेहनत करके मैं तो थक चुकी हूँ. So it's food time. कितनी अच्छी रूममेट हूँ मैं. आधा चॉकलेट मैंने अपने रूममेट को दान कर दिया. हेलो फ्रॉम द अदर साइड. सो इट्स 3:15 नाउ एंड मेरी रूममेट सोने के लिए गई है तो मैं ज़्यादा खूंखार हरकत नहीं कर सकती. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. नहीं, पहले ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप लोग चले जाओगे ना. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आती रहूँगी. कैसे जल्दी का तो पता नहीं बट आऊँगी ज़रूर. यस, आई एम सुपर फ्रैंक. I feel cozy, yeah. Can you hold up?